नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं जो मैच कवर करूँगा वो है ECS T10 प्रेसिका का आज के दिन का नवा मुकाबला जो कि खेला जाने वाला है CVD8 वर्सेस जनुजा ब्रेसिका क्रिकेट क्लब के बीच में। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा दोनों टीम्स के ओपनर्स कौन से रहेंगे, दोनों टीम की ओर से डेथ ओवर्स में बॉलिंग कौन से प्लेयर्स कराएंगे, साथ में जैकपॉट प्लेयर्स कौन से रहने वाले, और वीडियो के लास्ट में आपको मैं बहुत ही कमाल का हेड टू हेड एंड GL कॉम्बिनेशन देने वाला हूँ। तो इसीलिए वीडियो को पूरा वॉच करिएगा अगर आप लोग इस मैच में विन करना चाहते हैं। तो वीडियो में आपके लिए मैंने 400 रुपये का फ्री गिवे भी रखा है जिसको आप लोग बड़ी आसानी से जीत सकते हैं, और इसमें आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है उसके लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा। तो इसीलिए वीडियो को पूरा वॉच करिएगा अगर आप लोग इस मैच में विन करना चाहते हैं। तो बाकी जो भी मेरी फाइनल अपडेट रहेगी, जो भी मेरी फाइनल टीम रहेगी लाइनअप या टॉस के बाद जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी वो मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो इसीलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके जरूर ज्वाइन कर लेना, 3000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी वहाँ पर जुड़ चुके हैं और रोज़ाना फ्री टीम का बेनिफिट वहाँ पर उठा रहे हैं। तो आप लोग भी अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं इसका लिंक मैंने आपको कमेंट में दे दिया है, आपको कमेंट सेक्शन में जाना है। कमेंट सेक्शन में आपको जो पहला लिंक मिलेगा वो हमारे चैनल का होगा, जिस पर क्लिक करते ही सीधा आप लोग हमारे चैनल पर पहुँच जाएंगे और बाकी मेम्बर्स की तरह आपको भी फ्री टीम का बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर लिंक वर्क ना करे तो कमेंट में आपको चैनल का नेम मिल जाएगा जिसको सर्च करके भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटा जरूर प्रेस कर लेना ताकि आप सभी को आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और आपके लिए बिल्कुल फ्री भी, तो जरूर ये काम कर लीजिएगा। अब मैं आपको आपसे बात करता हूँ कि आपको गिवे में कैसे पार्टिसिपेट करना है। गिवे में पार्टिसिपेट करने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा जरूर प्रेस कर लेना, उसके बाद टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि जो भी मैं रिजल्ट अनाउंस करूंगा वो टेलीग्राम पर ही अनाउंस करूंगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको पता चले विनर कौन रहा है तो उसके लिए जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो गिवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का आंसर देना है, आपको जो कमेंट है वो मैच स्टार्ट होने से पहले करना है, और एक से ज़्यादा आप लोग कमेंट नहीं कर सकते और ना ही आप लोग अपने कमेंट को एडिट कर सकते हैं। तो आपको ये बताना है कि इस वाले मैच में सबसे ज़्यादा पॉइंट कौन सा प्लेयर करेगा, आपको उस प्लेयर का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना है। और हाँ दोस्तों, जो भी भाई सबसे पहले कमेंट करेगा उसके जीतने के चांसेस रहने वाले हैं क्योंकि विनर यहाँ पर एक ही बंदा बनने वाला है। तो अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। तो दोनों टीम्स एक दूसरे के खिलाफ अपना पहला मुकाबला टूर्नामेंट में खेलने वाली हैं। जनुजा ब्रेसिका की मैं बात करूँ तो इन्होंने 4 मैचेस खेले हैं जिसमें से ये एक जीते हैं, 2 हारे हैं और एक मैच इनका वास्ट आउट हो चुका था, तो यानी ये थर्ड पोजीशन पे और इनके पास 3 पॉइंट्स हैं। अगर मैं बात करूँ CVD8 की, अभी तक इनका कोई भी मुकाबला कंप्लीट नहीं हुआ है, सभी मुकाबले इनके बारिश के कारण रद्द किए गए थे। अगर मैं बात करूँ इनके पिच रिपोर्ट की, विकेट की, तो इनका जो विकेट रहने वाला है बैटर्स फ्रेंडली, यानी यहाँ पर आपको एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। बाकी अगर बात की जाए वेदर रिपोर्ट की तो आज चांसेस रेन के बहुत ही कम है, ओनली 2% चांसेस हैं, तो आप लोग इस मैच में इन्वेस्ट करना चाहें कर सकते हैं। फैंसी क्रिकेट एक्सपर्ट टिप की मैं बात करूं, जो वेदर की कंडीशन है वो भी यहां पर बैट्समैन को फेवर करने वाली है। अब मैं बात करता हूं CVD8 के प्लेइंग 11 की, तो इनकी ओर से आपको दारा शिको खेलते हुए नजर आएंगे जिनके नाम 13 रन है, 5 विकेट है। वाले सिकंदर बैटिंग तो अभी तक नहीं की है, बॉलिंग टूर्नामेंट में कराई है इन्होंने पर विकेट नहीं मिले हैं। फरहान जावेद 17 रन, अली सिकंदर बैटिंग नहीं की है, इफ्तिकार आर्मगन 1 रन है इनके नाम, उस्मान जावेद 3 विकेट है इनके नाम, कुलजिंदर सिंह 3 विकेट इनके नाम भी, अरसलन साबिर बैटिंग नहीं की, राशिद उमर बैटिंग नहीं की, अब्दुल रहमान 4 रन और मोहम्मद अरसलन की मैं बात करूं 4 विकेट इनके नाम भी हैं। अगर इनका लास्ट मुकाबला देखा जाए तो देखिए फरहान जावेद ने विकेट कीपिंग की थी, वाले सिकंदर अली सिकंदर अपनी टीम के लिए मेन बैट्समैन हो सकते हैं, दारा शिको कुलजिंदर सिंह अपनी टीम के मेन ऑलराउंडर्स हो सकते हैं, मोहम्मद अरसलन और उस्मान जावेद अपनी टीम के मेन बॉलर्स हो सकते हैं। अगर बात की जाए क्रिकेट क्लब की, यानी जनुजा ब्रेसिका क्रिकेट क्लब की प्लेइंग 11 की, तो उनकी ओर से आपको नईम अहमद खेलते हुए नजर आएंगे जिनके नाम 9 रन है, अतीक खान 5 रन 2 विकेट है इनके नाम भी, लवप्रीत सिंह 4 रन है, बॉलिंग इन्होंने पिछले मुकाबले में कराई थी विकेट्स नहीं निकाले, नासिर रमजान 118 रन है इनके नाम, शिराक उत्मन जई कोई खास रिकॉर्ड नहीं, सुलेमान अली 14 रन 1 विकेट, रहीम कुरैशी कोई खास रिकॉर्ड नहीं, वसीम अहमद 68 रन, जाहिद अली 5 रन 3 विकेट, मोहम्मद अफजल 1 रन 3 विकेट और यहाँ पे अहमदुल्ला सैफी 11 रन 3 विकेट।
लास्ट मुकाबला अगर इनका देखा जाए तो इनको 130 रन चेस करने थे 10 ओवर्स में और इनके बैट्समैन इस टोटल को चेस नहीं कर पाए थे। वसीम अहमद टॉप स्कोरर रहे थे, 30 रन बनाए थे मात्र 14 गेंदों पे। नसीर रमजान ने 16 रन बनाए थे मात्र 10 गेंदों पे। अहमदुल्ला सैफी ने 2 विकेट्स हासिल किए थे। अगर बात की जाए दोनों टीम की ओर से आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस फॉर कैप्टन वाइस कैप्टन कौन से रहेंगे, तो दारा शिकोह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है कैप्टन के लिए, जो कि आपको ओपन करता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि ओपन करते हुए इसने ओनली 13 रन बनाए हैं लेकिन विकेट्स इसने 5 निकाले, एक मैच में ही इसने 4 विकेट निकाल दिए थे। उसके अलावा आप लोग यहाँ पे कुलजिंदर सिंह को ट्राई कर सकते हैं जिनके नाम 1 रन 3 विकेट है। मोहम्मद अरसलन को बना सकते हैं जिनके नाम 4 विकेट है। नासिर रमजान बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ रन बना रहे हैं जिनके नाम 118 रन है। नईम अहमद 49 रन, अहमदुल्ला सैफी 11 रन 3 विकेट इनके नाम भी हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अभी तक बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इसीलिए आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो घंटा उसको जरूर ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि आप सभी को आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री, तो ज़रूर ये काम कर लीजिएगा। बाकी जो भी मेरी फाइनल टीम होगी, जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी और जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो इसीलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 3000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी वहाँ पर जुड़ चुके हैं और फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो आप लोग भी अगर टेलीग्राम से जुड़े नहीं हैं तो जाकर जरूर ज्वाइन कर लें। इसका जो लिंक है वो आपको कमेंट में मिल जाएगा, आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और जो वहाँ पर सबसे पहला कमेंट होगा वो हमारे चैनल का होगा, जिस पर क्लिक करते ही सीधा आप लोग हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे और बाकी मेंबर्स की तरह आप लोग भी यहाँ पर आके फ्री टीम का बेनिफिट उठा पाएंगे। अगर लिंक वर्क ना करे तो कमेंट में आपको हमारे चैनल का नेम भी मिल जाएगा जिसको आप लोग सर्च करके भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल को और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोनों चीज़ें आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। और गिवे में ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा, कमेंट सेक्शन में जाके ये ज़रूर बताइएगा कि इस मैच में ड्रीम इलेवन पर सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कौन से प्लेयर करेंगे, आपको उस प्लेयर का नाम नीचे कमेंट में लिख देना है। तो ज़रूर जाके पार्टिसिपेट करिएगा, फ्री में आप लोग यहाँ पे 400 रुपये इसका गिवे जीत सकते हैं। तो दोस्तों मैं चलता हूँ ड्रीम इलेवन की और आपको एक कमाल की विनिंग टीम क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शन की, तो आपके सामने 2 से 4 पिक आपको नजर आएंगी। पहले मैं बात करने वाला हूँ हेड टू हेड टीम की, तो यहाँ पर देखिए आपको रमजान की पिक नजर आएगी जो कि कंसिस्टेंसी के साथ रन बना रहे हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ए रहमान की पिक है, इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर हमारे लिए नहीं है। उसके अलावा नीचे मैं बात करूं ए खान देखिए और यहाँ पे एफ जावेद की, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ए खान किसी भी मैच में एक अच्छा परफॉर्मेंस करके आपको दे सकते हैं क्योंकि इन्होंने अपने टूर्नामेंट के पहले ही मुकाबले में एक मैच के अंदर ही 2 विकेट निकाल लिए थे। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेयर है, किसी भी मैच में अच्छा परफॉर्म करके आपको दे सकता है, तो आप लोग जरूर इसको ट्राई करना चाहें, जीएल में कर सकते हैं। हेड टू हेड में थोड़ा सा रिस्की पिक रहेगा, बाकी अगर मुझे आगे कोई अच्छा बैट्समैन अच्छा ऑलराउंडर अच्छा बॉलर देखने को नहीं मिलता है तो जरूर यहाँ पर मैं ए खान को अपनी टीम में ट्राई करूंगा। अभी के लिए जो सबसे सेफेस्ट पिक रहेगी हेड टू हेड में स्मॉल लीग में जीएल में वो यहाँ पर एन रमजान की ही रहने वाली है। बैटिंग सेक्शन में नईम अहमद को पिक करेंगे, हालांकि इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा डाउन चल रही है लेकिन इनसे अच्छे प्लेयर भी आपको कोई भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एन अहमद को अपनी टीम में पिक किया है। उसके अलावा आप चाहें तो साबिर को ले सकते हैं, बाकी यहाँ पे अहमद बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बैटिंग करके दे रहे हैं तो इसलिए मैं इनको पिक करूंगा। बाकी सिकंदर को भी पिक करने का यही रीज़न है कि ये 1 ओवर बॉलिंग का करवा रहे थे पिछले मुकाल में, हालांकि इन्होंने परफॉर्म तो अच्छा नहीं किया था, 22 के आसपास रन खाए थे लेकिन बॉलर हैं किसी भी मैच में विकेट्स निकाल सकते हैं। उसके अलावा नीचे मुझे और कोई प्लेयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है जिसको मैं अपनी टीम में रखना चाहूँगा, तो टोटल मैंने यहाँ पर 3 मेन बैट्समैन को सेलेक्ट कर लिया है। अलाउंडो सेक्शन में आपके लिए देखिए जेड अली आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है, विकेट टेकर गेंदबाज, इसको मैं पिक करूंगा। बाकी यहाँ पर डी शिखो को अपनी टीम में पिक करूंगा जो कि अपनी टीम के लिए बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों से आपको पॉइंट करके देंगे। बाकी यहाँ पर मैं कुलजिंदर सिंह को भी अपनी टीम में ट्राई करूंगा, इन्होंने भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है टूर्नामेंट में। बाकी उसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पर एल सिंह को ट्राई कर सकते हैं, पिछले मुकाबले में इन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी की थी पर इनको विकेट नहीं मिले थे। उसके अलावा यहाँ पर मैं एस एफी को अपनी टीम में ट्राई करूंगा जो कि पिछले ही मैच में विकेट्स निकाल के आ रहे हैं, 2 विकेट इन्होंने पिछले मैच में निकाले थे साफी ने। बॉलिंग सेक्शन में देखिए यहाँ पर हम जावेद को पिक करेंगे, अरसलन को पिक करेंगे और यहाँ पर पिक बचती है हमारे पास अफजल की जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रेडिट ना होने के कारण हम लोग यहाँ पर अफजल को ट्राई नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपको क्रेडिट मैनेज करना है तो आपको यहाँ पर आके जेड अली को ही ड्रॉप करना पड़ेगा, या आप चाहें तो केसिंग को भी ड्रॉप करके यहाँ पर अफजल को ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एस अली को ट्राई कर सकते हैं जो कि विकेट टेकर गेंदबाज है अपनी टीम के लिए, साथ में टॉप ऑर्डर पर बैटिंग करके भी आपको दे सकते हैं, नंबर 4 से 5 मिडिल ऑर्डर में आके बैटिंग करके भी दे सकते हैं।
तो देखिए, अगर मैं बात करूं से दिल्ली की, तो ये तो एक ही थोड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर अपनी टीम के लिए नजर आते हैं। अगर मैं इनका आपको पॉइंट्स दिखाऊं तो देख सकते हैं हर एक मैच में इन्होंने विकेट्स निकाले हैं। उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं के सिंह ने भी हर एक मैच में अच्छा परफॉर्म किया। तो आप चाहें तो जेड अली या के सिंह में किसी एक को प्रेफर कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं चलिए के सिंह को अपनी टीम में रख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले टीम प्रीव्यू की, उसके बाद मैं बात करूंगा कैप्टेंसी वाइज कैप्टेंसी की। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में मैंने यहाँ पर रमजान को ट्राई किया है, जो कि हमारे लिए अच्छी विकेट कीपिंग करके दे सकते हैं, साथ में ओपन करने आते हैं और एक अच्छी पारी खेल सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में मैंने यहाँ पर अहमद को लिया, जो कि अपनी टीम के लिए ओपन करेंगे। डब्ल्यू अहमद को लिया, जो कि अपनी टीम के लिए मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। सिकंदर को मैंने रखा, जो कि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट कलेक्ट करके दे सकते हैं। उसके अलावा मैंने ऑलराउंडर सेक्शन में डी सीको को रखा, जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों कराते हैं। के सिंह को रखा, ये भी बहुत ही अच्छी गेंदबाज हैं, बॉलिंग बहुत ही अच्छी कराते हैं, विकेट टेकर गेंदबाज है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर ए साफी को रखा है, जो कि पिछले ही मैच में 2 विकेट हासिल करके आ रहे हैं। उसके अलावा बॉलिंग सेक्शन में मैंने यहाँ पर यू जावेद को अपनी टीम में रखा, जो कि इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारे लिए, विकेट टेकर गेंदबाज है। एस अली को रखा, ये भी विकेट टेकर गेंदबाज है अपनी टीम के लिए, और साथ में मिडिल ऑर्डर में आकर बैटिंग करके दे सकते हैं आप लोगों को। बाकी अरसलन को मैंने रखा, जो कि विकेट टेकर गेंदबाज है, इन्होंने पिछले ही मुकाबले में 2 विकेट निकाले थे। और यहाँ पे अफजल भी, जो कि आपको डेथ ओवर में गेंदबाजी करके दे सकते हैं। तो अपनी इस टीम में अगर मैं बात करूँ कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी की, तो कैप्टेंसी यहाँ पर डी सीको को ही जाएगी, वाइस कैप्टेंसी यहाँ पर रमजान को जाएगी, क्योंकि इनके अलावा और कोई भी पिक हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाली नहीं है। तो मैं अपनी इस टीम को सेव कर देता हूं। एक बार आप लोग हमारी इस टीम का प्रीव्यू देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहां पर भी आप लोग प्ले कर रहे हो वहां पर जाकर आप लोग इस टीम को यूज कर सकते हैं। तो ये मेरी बिल्कुल सेफेस्ट स्टेट टू टीम रहने वाली है। इस टीम को आप लोग जहां पर भी यूज करेंगे, ऑलमोस्ट आप लोग वहां पर विन करेंगे, अगर हमारे सभी प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ये बिल्कुल मेरी सेफ स्टेट टू टीम है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं बात करूंगा अपने जीएल टीम की। तो देखिए, जीएल की टीम में मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूं। पहला चेंज यहां पर मैं करने वाला हूं, के सिंह को ड्रॉप करके जेड अली को लेने वाला हूं। उसके अलावा यहां पर अगर मैं ड्रॉप करूं एस अली को, और उनकी जगह पर मैं यहां पर लेने वाला हूं ए खान को। तो ये मेरी बिल्कुल फुल रिस्की जीएल की टीम रहेगी। और जीएल में मैं चेंजेस करने वाला हूं वाइस कैप्टन में ओनली, क्योंकि कैप्टन हमारा बिल्कुल भी परफेक्ट है डी सी को। तो वाइस कैप्टन यहां पर मैं बनाने वाला हूं ए खान को, क्योंकि अगर ये इस मैच में बॉलिंग करा देते हैं तो हमारे लिए काफ़ी अच्छे प्लेयर रहने वाले हैं और हमें पॉइंट्स काफ़ी करके देने वाले हैं। तो मेरी बिल्कुल ये बिल्कुल इसकी टीम रहने वाली है जीएल की। तो एक बार आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये मेरी जीएल की टीम रहेगी, इसको आप लोग जीएल में यूज़ कर सकते हैं, तो जाकर ज़रूर इसको जीएल में ट्राई करिएगा। तो ये मेरी जीएल टीम है, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये मेरी हेड टू हेड टीम है बिल्कुल सेफ, जिसको आप लोग स्मॉल लीग 3-4 मेंबर्स में यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये वीडियो अभी तक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटा जरूर दबा देना, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री, तो ज़रूर ये काम कर लीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, क्योंकि जो भी मेरी फाइनल टीम होगी, जो भी मेरी विनिंग टीम होगी 100% वो आपको यहीं पर मिलेगी। तो जाके ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इसका जो लिंक है वो आपको कमेंट में मिल जाएगा। 3000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी यहाँ पर जुड़ चुके हैं और रोज़ाना वहाँ यहाँ पर फ्री टीम का बेनिफिट उठा रहे हैं। जो इसका लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आपको कमेंट सेक्शन में जाना है। कमेंट सेक्शन में जो सबसे पहला लिंक होगा, जो सबसे पहला कमेंट होगा, जो कमेंट पिन किया गया होगा वो मेरे चैनल का लिंक होगा, जिस पर क्लिक कर दे सीधा आप लोग हमारे चैनल पे पहुंच सकते हैं। अगर लिंक वर्क ना करे तो कमेंट में आपको हमारे चैनल का नेम भी मिल जाएगा, जिसको आप लोग सर्च करके भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी गिवअवे में ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा और अपना कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।